हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घनी मूंछ एवं दाढ़ी उगाने का मैं इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी असरदार घरेलू नुस्खा बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, जरूर पूरा देखेंगे आप, तो तब आप समझ पाएंगे कि आप अपनी दाढ़ी को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफ स्टाइल में, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि उसकी दाढ़ी ग्रो करे, यानी कि आजकल ट्रेंड भी है कि हर लड़का चाहता है कि उसकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी काली घनी लंबी हो और उसके सारे बाल घने घने हों। तो दोस्तों, समय के साथ साथ फैशन ट्रेंड भी बदलते रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, जहां पहले लड़कों को क्लीन शेव रहना पसंद था और लड़कियां भी पसंद करती थी क्लीन शेव, लेकिन आज उसी की जगह पर लंबी घनी दाढ़ी पसंद करने का ट्रेंड है। लड़कियां भी आजकल उन्हीं लड़कों को पसंद करती हैं जिनकी दाढ़ी काफ़ी बियर्ड ग्रोथ है, यानी कि बियर्ड है उनकी लंबी घनी और दाढ़ी काली दाढ़ी है, उन्हीं को ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आजकल लड़के हर समय यही सोचते रहते हैं कि दाढ़ी उगाने का कोई तेल मिल जाए या कोई ऑयल मिल जाए या दाढ़ी उगाने के लिए कोई घरेलू नुस्खा मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो दोस्तों, उसी चीज़ को हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो आजकल लड़कियां भी क्लीन शेव के बजाय दाढ़ी मूछ वाले लड़कों को अधिक प्रेफरेंस देने लग गई हैं आजकल। तो बॉलीवुड एक्टर से लेकर के क्रिकेटर की वजह से भी इन दोनों लड़कों में दाढ़ी रखने का क्रेज़ काफ़ी है, चाहे वो कोहली हो चाहे आपका बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो। आजकल दाढ़ी का क्रेज हर किसी को है और उन्हीं को देख ही देगा आजकल का युवा दाढ़ी को पसंद करता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग दाढ़ी की वजह से खुद को कॉन्फिडेंट महसूस भी करते हैं। वैसे तो पुराने समय से ही दाढ़ी मूछ रखना मर्दों की निशानी माना जाता था, ऐसे में आपका भी मन करता है कि अलग अलग तरह की दाढ़ी मूछ की स्टाइल रखी जाए। लेकिन अगर आप दाढ़ी मूछों में कम बालों से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि दाढ़ी कैसे बढ़ाएं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी असरदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम पहले ये जान लेते हैं कि बालों की जो ग्रोथ होती है वो कम या ज़्यादा होने का कारण क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी कैसे बढ़ाएं। इससे पहले आपको हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि दाढ़ी की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है। दाढ़ी के बालों की ग्रोथ कम या ज़्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कि जेनेटिक्स और ड्राई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी कि THT, ये दोनों ही सबसे मुख्य कारण यानी कि भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर का रंग, आकार, लंबाई, त्वचा का रंग, बालों का स्टाइल और ग्रोथ सबके पीछे हमारे जेनेटिक्स मुख्य वजह होते हैं, जिनका कि निर्धारण गर्भ में रहने के दौरान ही हो जाता है। ये जेनेटिक्स हमें हमारे माता पिता के जीन से प्राप्त होते हैं। हम देख सकते हैं कि कई शोधों में, कई देशों में लोगों के बाल जहां घुंघराले होते हैं तो कई देशों के लोगों के बालों का कलर ही अलग होता है। इसका कारण होता है मर्दों के शरीर पर पाए जाने वाले THT हार्मोन, जो कि हमारी मसल्स, बालों के बढ़ने से लेकर के कई भी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। जहां कई लोगों के दाढ़ी और मूछों में अच्छी ग्रोथ होती है तो वहीं कई लोगों में दाढ़ी पूरी तरह से नहीं आती है और उनकी ग्रोथ भी बहुत कम रहती है। इसके कारण कई लोगों को दाढ़ी रखने की इच्छा मन ही मन में दबानी पड़ जाती है। दोस्तों, चेहरे के बालों की तेज़ी से ग्रोथ हो, इसके लिए हमें कई तरह के उपाय एक साथ करने होंगे। इसमें सबसे भारी तौर पर बालों को बढ़ाने वाले नुस्खों का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक नुस्खा बताऊंगा और साथ ही साथ हमारे बालों को बढ़ाने वाले टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पर सीधा प्रभाव पड़े, इसके लिए हम खाने वाले नुस्खों का भी सेवन करेंगे। तो इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रख करके आप सावधानीपूर्वक आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो मेन चीज़ है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अरंडी के तेल से हम दाढ़ी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शरीर में बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे ऑयल का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक हो। ऐसे में कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल से दाढ़ी बढ़ाने का तरीका सबसे लाभकारी, सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि अरंडी के तेल में 80-90% तक रेसिनोलिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि चेहरे पर रुके हुए बाल होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी से हो जाने लग जाती है और साथ ही दाढ़ी के बाल मोटे और घने हो जाते हैं। इसलिए मार्केट में मिलने वाले कई तरह के दाढ़ी बढ़ाने वाले सीरम या दाढ़ी उगाने का तेल होते हैं, उनमें अरंडी का तेल अवश्य यानी कि इस्तेमाल होता है। तो हम जान लेते हैं कि हमें इस अरंडी के तेल की जो विधि है वो कैसे बनाना है हमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 3-4 चम्मच नारियल के तेल को कढ़ाई या फिर फ्राई पैन के अंदर डाल करके इसे सबसे धीमी आंच पर करीब 1 मिनट के लिए गर्म करना है
और इसके बाद तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने से पहले ही इसमें 8 से 10 करी पत्ते डाल करके इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह आपको चलाना है फ्राई पैन के अंदर। उसके बाद जब करी पत्ते अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं तो गैस को आप बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और ठंडा हो जाने के बाद में इसमें से करी पत्तों को आप निकाल करके डस्टबिन में डाल दीजिए। और फिर जो बचा हुआ जो तेल है इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर, इस तेल में 3 से 4 चम्मच अरंडी के तेल को मिलाना है। और इस तरह से ही आपका नुस्खा बन करके तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि इसको नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से सबसे पहले स्टीम लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप स्टीम नहीं ले पाते हैं तो आप चेहरे पर गर्म कपड़ा 5 मिनट के लिए रख लीजिए। ऐसा करने से चेहरे के रोम छिद्र खुल जाते हैं और फिर इस तेल का असर दोगुना हो जाता है। स्टीम लेने के बाद इस तैयार तेल से अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें। जहाँ पर आपके बालों की ग्रोथ कम है वहाँ आप मसाज ज़्यादा करें। और दोस्तों, मसाज करते समय ध्यान रहे कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी है आपको। आपको सिर्फ हल्के हाथों से ही मसाज करनी है। और इसके बाद इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए लगा करके छोड़ दीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। जब भी लोग ये सोचते हैं कि घनी दाढ़ी कैसे पाएँ और बीयर्ड बढ़ाने का तरीका ढूंढते हैं इंटरनेट पर या गूगल पर कहीं भी सर्च करते हैं, तब करी पत्ते का इस्तेमाल होता ही है। तो करी पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एमिनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में, यानी कि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि मदद करते हैं बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और बालों को मोटा करने में। तो दोस्तों, इस तैयार तेल को अधिक मात्रा में बना करके 2-3 महीने के लिए स्टोर करके भी रखा जा सकता है। इसका लगातार 10 से 15 दिन इस्तेमाल करने पर आप अपने बालों की ग्रोथ को देख सकते हैं, अच्छा फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे बताई गई विधि कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।